नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर से एक्ट्रेस राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत इन दिनों अपने वैवाहिक विवादों को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। आदिल खान पर कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना जाने कितने सारे आरोप लगाए, और ना केवल आरोप लगाए बल्कि उनका सबूत भी खुद मीडिया के सामने रखा। बार बार आती थी और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखती थी। लेकिन अब इस पूरे केस के बाद जब एक और आदिल खान जेल में है, कोर्ट की कार्रवाई भी जारी है, तो आदिल खान के जेल जाते ही राखी सावंत का एक गाना आता है। इस गाने में उसी तरीके से उस वाक्य को फिल्माया गया है जो कि राखी सावंत के साथ हुआ, यानी कि उन 8 महीनों का जिक्र इस गाने में किया गया है। अब आम सी बात है कि जहां एक और इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जहां आदिल खान जेल पहुंच गए, उनके खिलाफ कई सबूत दिए जा रहे थे, ऐसे में इस गाने को देखने वाले लोगों की संख्या अपने आप ही बढ़ेगी। यानी कि आदिल खान के केस से इस गाने को अगर ताल्लुक करके देखा जाए, इस गाने को मिला करके देखा जाए, तो ये बात साफ है कि राखी सावंत ने इस गाने को लेकर के अच्छा खासा प्रमोशन, पब्लिसिटी, कुछ भी कह सकते हैं, ये कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आदिल खान पर केस और फिर उसके बाद ये गाना, कहीं इसके बीच में कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है ये आदिल का केस? क्योंकि अब राखी सावंत ने ना केवल गाना लॉन्च किया, दुबई गई आज वो, और दुबई में अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी या जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा बॉलीवुड में आने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा एक्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए, दुबई में राखी सावंत पहुंची, वहां पर उन्होंने एक एकेडमी खोली है, उसका उद्घाटन किया, और फिर ये भी अपील की कि आप इस एकेडमी में ज्यादा से ज्यादा आए, दुबई के लोगों से इसमें आने की अपील की, और साथ ही ये भी कहा कि इस एकेडमी के जरिए बॉलीवुड में वो एंट्री करवा सकती हैं। अब एक और जहां आदिल खान का केस, फिर गाना, और अब ये बॉलीवुड में एंट्री करवाने का रास्ता। यही सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं राखी सावंत के बारे में कि राखी सावंत ने ये जो प्लानिंग है वो सोच समझ करके एक सिस्टमैटिक तरीके से की। कैसे आदिल खान को जेल पहुंचाना है, कैसे उसके खिलाफ सबूत पर सबूत मीडिया के सामने रखने, और कैसे एक नया गाना लॉन्च करके रखना है जो कि खुद आदिल और राखी सावंत की जिंदगी पर हो। अब ऐसे में क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि राखी ने ये सारा माजरा, ये सारा रायता केवल अपने प्रमोशन के लिए फैलाया? एक वीडियो में राखी सावंत ये भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि आदिल अगर उनसे माफी मांगने के लिए आते हैं तो फिर वो इस पर गौर भी कर सकती हैं। दरअसल इस वीडियो के दौरान उनसे पूछा गया था पेपराजीज के द्वारा कि अगर राखी सावंत से आदिल खान दुर्रानी माफी मांगते हैं तो राखी सावंत क्या करेंगी। ऐसे में राखी ने जवाब दिया कि एक बार अगर वो माफी तो मांगे मगर माफी ही नहीं मांग रहा। ऐसे में इस बयान को लेकर के अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि राखी सावंत आने वाले दिनों में आदिल खान को एक बार फिर से अपना लेंगी, और ना केवल अपना लेंगी, अपनी जिंदगी में फिर से वापस उनकी एंट्री हो जाएगी, और ये जो गाना है ये तो हिट होने ही वाला है। अब ये सारा एक प्लान सोची समझी से साजिश कही जा रही है। देखना ये होगा कि जब इस केस की सुनवाई होती है, जब आदिल खान दुर्रानी की केस में जब मुंबई के कोर्ट में दोबारा से सुनवाई की जाती है, दलीलें पेश कर की जाती हैं, तब क्या राखी सावंत वहां मौजूद होंगी या फिर अपने काम के चलते वो वहां से नदारद हो जाएंगी। कई वीडियोज़ में ये भी राखी सावंत बोलते हुए नजर आई थी कि मैं अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ करके केवल कोर्ट के चक्कर लगा रही। ऐसे में अब राखी सावंत अपनी दैनिक जिंदगी में वापस लौट चुकी हैं। अब देखना होगा कि आदिल खान दुर्रानी पर वो और कौन से आरोप लगाती हैं, और इस फिल्म, ये जो गाना है जिसमें इस पूरे इस राखी की जिंदगी को फिल्माया गया है, इसमें राखी की जिंदगी के उस 8 महीनों के दौर को दिखाया गया है। इस वीडियो में भी ये देखना होगा कि आखिर राखी सावंत ने आदिल खान पर जितने भी आरोप लगाए उसे किस तरीके से एक गाने के जरिए उभारने की कोशिश की गई है। फिलहाल अगर आपको बता दें राखी की फैमिली के बारे में, तो राखी की फैमिली इन दिनों
कहां गायब है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। राखी सावंत जब मैसूर गई थी और अपने ससुराल जाने की कोशिश कर रही थी तो वहां पर ताला लटका हुआ था। राखी सावंत ने खुद वीडियो जारी करके इस बात का खुलासा किया था। सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। इसमें ये नजर आ रहा है कि राखी आदिल खान के घर पर पहुंची है जहाँ ताला लटक रहा है। साथ ही राखी सावंत ने आदिल के पिता से भी बातचीत करने की कोशिश की और पिता ने ये कहते हुए इस पूरे मामले को टाल दिया कि राखी अभी भी हिंदू धर्म से हैं। वहीं राखी सावंत का कहना है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिया है। और अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो राखी सावंत जहां एक और कुछ दिनों पहले ही नमाज अदा करते हुए नजर आ रही थी, बुरखे में नजर आ रही थी, तो वहीं सोशल मीडिया पर अब राखी का लुक एक बार फिर से बदल चुका है। राखी अपने पहले वाले लुक में आ चुकी हैं। ऐसे में जो इस धर्म को कड़ाई से मानने वाले हैं अब वो राखी सावंत को टारगेट कर रहे हैं। पहले जहां राखी सावंत बुरखे में दिख रही थी अब वो अपने आम जिंदगी में आ गई हैं। ऐसे में जो मुस्लिम तबका है वो राखी से ये पूछ रहा है कि अगर वो इस धर्म को कबूल कर चुकी हैं, इस धर्म के लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं, इसे अपनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आखिर राखी ने अपने रिवाज को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करी। पहले राखी जैसे भुरखे में दिखाई दे रही थी, आदिल के जेल जाते ही राखी ने अपना बर्ताव ना केवल चेंज कर लिया बल्कि अपनी वेशभूषा भी उन्होंने बदल डाली है। ऐसे ट्रोलिंग का फिलहाल राखी सामना कर रही हैं। देखना होगा कि राखी सावंत इस पर आगे जाकर के कौन सा जवाब देती हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी लोगों को जल्द ही इंतजार है जिसमें ना केवल अपने गाने के बारे में बताएंगी बल्कि आदिल खान दुर्राने के बारे में और भी कई खुलासे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकती हैं। फिलहाल एक वीडियो में बताया था राखी ने खुद कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही करने वाली हैं। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या शर्लिन चोपड़ा मौजूद रहती है। शर्लिन चोपड़ा का भी नाम लगातार सामने आ रहा था क्योंकि शर्लिन चोपड़ा फिलहाल अपनी पॉपुलैरिटी चाहती हैं तो राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी में आकर के उन्होंने एक अच्छा हाथ आजमाया जिससे राखी सावंत के साथ शर्लिन चोपड़ा आई और ना केवल आई सोशल मीडिया पर शर्लिन चोपड़ा की बातें भी अब लोग करने लगे। ऐसे में शर्लिन को भी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई है। शायद ये उनका मास्टर प्लान भी हो सकता है कि राखी के साथ मिल जाए। वहीं राखी सावंत जो कुछ दिनों पहले उनकी दुश्मन हुआ करती थी, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने केस किया था, अब अपनी ही पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे की साथी बनी है, एक दूसरे की दोस्त बनी है। अब ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब उनका गाना रिलीज होगा और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगी तब क्या शर्लिन चोपड़ा नजर आती हैं या फिर ये दोस्ती केवल चंद समय की ही रह जाएगी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।